हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपसे फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और कैसे हो आप लोग? अभी बज चुके हैं सुबह के 8। हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं, हम भी नहा लिए हैं और हमारी पूजा पाठ वगैरह सब कुछ डन हो चुकी है। आज उन्हें सुबह जल्दी जाना था इसलिए वो चले गए। बच्चे दोनों ऊपर हैं, उन्हें भी मैंने मिला दिया क्योंकि आज किट्टो का पेपर है 10 बजे से। और खाना पीना भी हमारा हो चुका है। आज मैंने खाने में बनाया है आलू, शिमला मिर्च की सब्जी बनाई है और दाल भी बनाई है मैंने, क्योंकि टिफ़िन में दो सब्जी देनी होती है, उनका टिफ़िन थोड़ा अच्छे से देना पड़ता है। टिफ़िन के लिए दो सब्जियां बनाई हैं, आलू शिमला मिर्च और दाल बनाई है मैंने। उनका टिफ़िन पैक कर दिया है, नाश्ता वगैरह करके वो चले गए हैं। हम लोगों ने भी अपना नाश्ता कर लिया है, अब हम करेंगे अपने घर का काम। अभी यहाँ पे मुझे बर्तन भी क्लीन करने हैं सारे के सारे। कितने सारे हो गए, खाना वाना बना के ऐसे ही छोड़ दिए थे। और मैंने यहाँ पे आज बेडशीट वगैरह भी उतार दी हैं सारी, सोफ़ों के कवर भी उतार दिए हैं, बेड की चद्दर वगैरह जो पहले बिछी थी वो उतार दी है। आज मैं ये वाली चद्दर बिछाऊंगी और मैं अपने बेड की चद्दर वगैरह सोफ़े वगैरह हर तीसरे दिन धोती हूँ, क्योंकि बच्चे ना बहुत गंदा कर देते हैं। सोफ़े कवर भी मैंने उतार दिए हैं सारे के साथ। अब चले चलते हैं दूसरे कमरे में। दूसरे कमरे में भी चद्दर उतार दी, ये वाली चद्दर बिछाई जाएगी। और ये इतने सारे कपड़े धोने वाले हैं, इन्हें मैं धोऊंगी जाके ऊपर मशीन लगाऊंगी। इस बेड की चद्दर मैंने कल धो दी थी, आज नहीं धोऊंगी, आज मैंने इसको झाड़ के बिछा दिया है। चलिए अब करते हैं बर्तन क्लीन। पहले बर्तन धोती हूँ, फिर मैं जाकर ऊपर मशीन लगाऊंगी, फिर हम करेंगे झाड़ू पोछा। और आज किट्टो का पेपर है, पेपर से पहले जो जो काम हो सकता है मैं वो सारा काम करूँगी, फिर उसके बाद मैं उसका पेपर दिलाऊंगी, उसके बाद कुछ और काम करूंगी। आज हस्बैंड को कुछ काम था ऑफिस में, इसलिए वो जल्दी चले गए होंगे। इस वजह से खाना पीना वगैरह सब कुछ ही बना लिया है। और मैं दोपहर में लंच नहीं बनाती हूँ, मैं अभी सुबह ही सब कुछ बना के रख देती हूँ, क्योंकि शोर है फिर मुझे नहीं बनाने देता। अभी बना के रख देते हैं, फिर जब हमें भूख लगती है हम खा लेते हैं। बर्तन धोने के बाद बर्तन भी मेरे धुल चुके हैं सब। अब चलते हैं कपड़े लेके। बेडशीट यहाँ पे बिछा दी है, सोफ़ों की कवर चढ़ाऊंगी मैं शाम को, क्योंकि बच्चे ना बहुत गंदे कर देते हैं, इन्हें सारे दिन मस्ती करके शाम को बिछाऊंगी मैं इन्हें। अब चलते हैं दूसरे कमरे में।
इस कमरे की भी चादर मैंने बिछा दी है अच्छे से। चलिए आज आपको दिखाती हूँ मैं अपनी शादी की फ़ोटो। ये हमारी शादी की फ़ोटो। हमारी शादी को 8 साल कंप्लीट हो गए हैं, 9वीं साल लग रही है अब। ये है मेरे बेटे की फ़ोटो, उसका पहला जन्मदिन मनाया था जब खींची थी ये। बहुत शरारती बच्चा है बहुत। और ये है मेरी शरारती बेटी, ये भी इसके छोटेपन की फ़ोटो है। अब चलते हैं इन्हें लेके ऊपर, फिर इन्हें मशीन में लगाते हैं, उसके बाद फिर किट्टो का। तो बैठ गई है अपना पेपर देने के लिए, और ये शरारती बच्चा इसी के साथ बैठा रहता है, ना इसे पढ़ने देता ना कुछ। अब इसकी पेंसिल रबड़ सब चाहिए इसको। शोरू देख, अच्छा बाय कर दे तू, जय करियो। देख बस ऐसे करता रहेगा, सब कुछ चाहिए अभी से इसका, सारी पेंसिल रबड़ बुक सब। पेपर शुरू करेगा आज, देखो 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 देखो। पेपर करोगे आप? पेपर करोगे हैं? बताओ जल्दी। पेपर करोगे आप दीदी का? अच्छा डांस करके दिखा दो, डांस करो। मुंह में नहीं देते, गंदी बात है, बाहर निकाल, बाहर निकालो। अच्छा डांस करो, डुम डुम लख लख, डुम डुम लख लख, करो करो जल्दी करो करो। पापा को बुला लो, बोले पापा। देखो ये लड़का ना सब खा जाता है, इस लड़की की पेंसिल वेंसिल सब। दीदी कहाँ है? और किट्टो तैयार पेपर के लिए? हाँ। तैयारी होगी सारी? हाँ। आप भी तैयार हो पेपर के लिए? क्या लिखोगे पेपर में? हैं? सर कहते जीरो अंडा। रसोई साफ हो गई है मेरी सारी की सारी। रसोई भी साफ हो गई, कपड़े भी धुल गए, और किट्टो का पेपर भी हो गया। बस अब मुझे करना है झाड़ू पोछा। चलते हैं करते हैं झाड़ू पोछा भी, झाड़ू लगाते हैं। दोनों शरारती बच्चे छुपे कर रहे हैं, बहुत उधम। बहुत देर खेल लिए और अब इनका उधम चालू हो गया। अब हम इन्हें बुलाते हैं, कुछ खिलाते हैं इन दोनों को, फिर उसके बाद करते हैं कुछ। देखते हैं, किट्टे के पेपर में बहुत टाइम लग गया, उसके साथ बैठना पड़ता है, करवाना पड़ता है, वो अकेले नहीं कर पाती, उसको ना थोड़ा डर सा लगता है, मैडम सामने आती ना डर जाती है वो, इसी वजह से उसके साथ बैठ के फिर मैं उसका पेपर करवाती हूँ। मेरा काम भी रुक जाता है इसी वजह से। कोई नहीं, कोई बच्चों की पढ़ाई भी ज़रूरी है। चलिए मिलती हूँ फिर आपसे, दोनों को कुछ खिला पिला दूँ पहले। अभी बज रहा है दोपहर का एक, काम सब कुछ हो गया मेरा, सो रहे भी सो रहा है, किट्टो अपनी पढ़ाई कर रही है। चलिए अब लंच करते हैं। आ जाइए फ्रेंड्स, आप सब भी लंच करिए। और ये रहा आज का हमारा लंच। आ जाइए खा लीजिए।